not. How can they? मतलब वो हिस्सा नहीं है भाई. सरदार अतीक साहब को लाइन में लिया जाए मेरे ख्याल में. जी सरदार अतीक साहब से बात की जाए. अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब. यहाँ पे जी एक साहब है, जानते हैं आप राशिद सभी साहब को? जी जी मारूफ आदमी. अच्छा मारूफ आदमी, बात करना चाहेंगे आपसे. जी सर, ये आपने ये क्या एतराजात आप लोग कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को? अभी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन, उसको तो हम खुद जो है अभी शशोपंच का शिकार है. हमें यही नहीं पता कि हमें क्या दे दिया गया, और हमें अगेन कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ नहीं मिला, हमें प्रोविंस नहीं दिया गया. लेकिन एक जरा सा स्टेप लिया गया, उस पर आप लोगों ने वावेला मचा दिया कि ये क्या कर दिया गया. सर साहब, आपको तो अगर शायद आपके वाले तो शायद कभी तशरीफ नहीं लाए गिलगित बल्तिस्तान. आपको आए हुए तकरीबन 20 साल हो गए. 20 साल पहले शायद आप 19 साल पहले आप तशरीफ लाए थे, और 20 साल पहले तब जिस शख्स ने गिलगित बल्तिस्तान में कदम ना रखा हो, वो उन लोगों के लिए एक पॉलिसी मैटर पर किस तरह बयान दे सकता है? आपके वालिद ने, अगेन में इसकी रिपीटिशन हो जाएगी, लेकिन 1948 में कश्मीर वॉर हुआ, आपने हमारा नाम नहीं लिया. हमें कश्मीर कराची एग्रीमेंट का हमारे कंसेंट के बगैर, हमारी रजामंदी के बगैर उसको हिस्सा बनाया. जाली दस्तखत भी हुए और उस पर आपने इतराज नहीं किया. 1963 में हमारी जमीन उठा के दे दी गई, उस पर एतराज नहीं हुआ. आपने फिर 71 में इतना बड़ा एरिया हमारा लूज हो गया. हमने हमारी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां हुई हैं, लड़ाई के लोग देते रहेंगे, जी आपने कोई एतराज नहीं किया. ये कहां का इंसाफ है कि अगर सरदार अतीक को जिंदा रखना है आजाद कश्मीर में, अगर यासीन मलिक को मकबूजा कश्मीर में जिंदा रखना है, तो हमारा गांव जो है 62 साल तक हमारे सांस को रोकर जाएगा? मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. और आपसे यही दरख्वास्त है, क्योंकि मीर भाई तक ये बयान दे चुके कि उनको कोई एतराज नहीं है, तो लिहाजा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमारा कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है. अब डाकर आप लोगों ने शायद इतने अर्से बाद 62 साल बाद कुछ नौकरियां हमारे लिए निकाली हैं, कुछ हमारे लिए आप यूनिवर्सिटीज में जगह निकालने के सोचना शुरू किया, तो बाय मेहरबानी इसे दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि इससे और हमारे जख्मों में नमक कर जाता है. एक बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर कैसा है तारीखी एतबार से, इलाकाई एतबार से, बैन अल्कोहल करारदादों के एतबार से, और 1935 में 26 मार्च 1935 को जो महाराजा कश्मीर की जो इलाका लीज पर गए, वो सारे इलाके महाराजा हरि सिंह ने जब लीज किए, तो दिलचस्प बात यह है कि उसने यह तय किया कि बरतानवी झंडा किसी वक्त फर्ज हो सकता है, लेकिन महाराजा कश्मीर का झंडा जो ऑफिशियल हेडक्वार्टर है उन पर 365 दिन जा रहा है, और कभी गिरने के लिए भी, और अंग्रेज की फौज है वो नॉर्मल हालात में लेफ्ट बैंक से वर्दी पहन के शहर के लिए गुजरने की उसको इजाजत नहीं थी. और उसके बाद जो 37 में ये सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए ग्रेट वाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट के वक्त, उसके बाद फिर इलाका रिवर्ट बैक कर गया महाराजा को, महाराजा कश्मीर को, और आखिर में मुंतजिम था ब्रिगेड गंधर सिंह, उसके अपॉइंटेड ऑर्डर महाराजा कश्मीर के उससे हुए. उसके बाद ये इलाके जो है इनमें जो गिलगित फौज है ये 52 53 तक इनके जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ आजाद होम ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो होते थे. ठीक है, अब क्या सुनते हैं सरदार अतीक साहब? तभी जो स्टेप लिया गया, जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, ऑर्डिनेंस जो लेके ऑर्डिनेंस की मदद लिया गया, जो स्टेप जिसमें गवर्नर अपॉइंट किया गया, इससे पहला स्टेप है एक अच्छी तरफ एक पहला स्टेप इसको तस्वर किया गया. फिलहाल साहब मेरी गुजारिश यह है कि बिल्कुल अच्छा स्टेप नहीं है. दाखिली तक हम 100% इसकी हामी है, लेकिन इसकी अच्छी तब्दील करने की कोशिश है. गवर्नर और जीरा का कोई तस्वर इसकी अल्लाई करारदादे इजाजत देती है. मसला कश्मीर और कश्मीर को तकसीब करने की बुनियादें हमारी की जा रही है, और इंडिया को आर्टिकल 370 पे बेरोज करने की कोशिश है. और कुछ अच्छे बात पता लगेगा कि ईजत उम्र तो हम वाली बात है, पुरानी 70 से चल रही है, उसी किस्म का नक्शा यहाँ कश्मीर में भी रियासत में पेश किया जा रहा है, इससे मसला कश्मीर मुतासर होता है. ये हो सकता है कि ये हुकूमत की पॉलिसी हो, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, पहले पाकिस्तान और पहले कश्मीर की पॉलिसी में और अहले बल्तिस्तान की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं रहा. सब आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कहे किसी भी चीज पे. जी मैं गुजारिश करूँ की ये ऐसा नहीं है. आज भी जिनको हमें गोम टेबल कॉन्फ्रेंस में थे, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र है, मुख्तलिफ नुकता है नजर है, उसमें सब लोग अपनी अपनी आजादी, अपनी अपनी राय का इजहार करने की, लेकिन हम उनके जो मामला और मसाइल हल करने की उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिश है, उसकी हामी है, लेकिन उसका स्टेटस चेंज करने की कोई भी कोशिश है. और मैं नहीं कहता कि गिलगित बल्तिस्तान पर मैं बात करूं, मैं ये कहता हूं कि राशिद सभी साहब को पूरा हक बशिंदा रियासत जम्मू ये देखिए महाराजा हरि सिंह का बहुत बड़ा जो कारनामा है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट सब्जेक्ट है वो उसका बहुत बड़ा कारनामा है. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का सरदार अतीक साहब जी. अगर वो इतना अब क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है उसका सही तरह तारीखी हवालों से जवाब देता, लेकिन आपके प्रोग्राम से आप इस वक्त अनाउंस करें रिफ्रेंडम इस इशू पर, अगर आपको लेना है कि आप जैसे आप कह रहे हैं सरदार साहब के वहां के लोग, आप गिलगित बल्तिस्तान में रिफ्रेंडम करा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, एनेक्सेशन में पाकिस्तान चाहते हैं, या वो कश्मीर के हिस्सा में लोग जो है जो हमें पता चला है जो हमने वहां से बात की लोगों से वो कहते हैं कि जो ये स्टेप लिया गवर्नमेंट ने वहां पे गवर्नर अपॉइंट किया है मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो हमें
جی کیم اکراس اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیپ اچھا ہے. نہیں نہیں گورنر اسٹیپ بہت اچھا ہے, میں آپ کہہ رہا ہوں یہ اسٹیپ پورا بہت اچھا ہے. اولن تو ہمیں امید ہے کہ کائرہ صاحب, میں بھی ان آؤٹ سائڈر, وہ اچھے دام کریں. ہمیں امید ہے کہ گنسار سنگھ گنسارا نہ بنے, بریگیڈر گنسارا نہ بنے, وہ کائرہ پیپلز پارٹی کے ترجمان بنے اور ہمارے لیے ہمیں حقوق دیں اور ہمیں فل ریپرزینٹیشن پاکستان میں چاہیے ایز اے فیس آف اینڈ کانسٹیٹیوشن. بہت شکریہ جی, آپ آئے تشریف لائے. جی میرے ساتھ موجود ہے جی راشد سمیع صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں, ملکہ بلتستانی کے ایشو آپ کے سامنے ہے جی. آپ فیصلہ کریں, ریفرنڈم کی بات کر رہے ہیں راشد سمیع صاحب کے وہاں پہ ریفرنڈم کرایا جائے. رانو مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. چل دین, اللہ حافظ.